वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप फिर अशोक लेलैंड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो अशोक लेलैंड स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते कि 144.95 यहाँ पे आप देख सकते कि क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका है। अशोक लेलैंड स्टॉक आज फिर से गिराव देखने को मिले, 3 पॉइंट की तकरीबन 2% की गिराव देखने को मिले अशोक लेलैंड के अंदर। तो देख सकते कि आज गैप डाउन से ओपन होकर तेजी देखने को मिली थी, पर प्रीवियस क्लोजिंग का जैसे ही रेजिस्टेंस लगा स्टॉक में गिराव देखने को मिली। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही कि 140 लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका था एंड ऑफ द डे में। तो न्यूज के ऊपर सबसे पहले नजर डालेंगे, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तकरीबन यहाँ पे देखा जाए तो देख सकते कोई खास अपडेट तो नहीं है। पर रिसेंटली देख सकते स्टॉक में एक बहुत तेजी के साथ गिरावट, कल जो गिरावट थी उसी गिरावट को आज कंटिन्यूस देखने को मिला है और यहाँ पे नीचे के साइड जा रहा है स्टॉक। मार्केट क्या 41,000 करोड़ के ऊपर स्टेबल है, पी रेशियो बहुत ही हाई है। लास्ट 5 डेज की भी बात की जाए तो स्टॉक के अंदर देख सकते कि तकरीबन तेजी हो चुकी थी, फिर से पिछले 2 दिनों में पूरी गिराव देखने को मिले, रिट्रेसमेंट देखने को मिले। वॉल्यूम के ऊपर नजर डाली जाए तो ट्रेडेड वॉल्यूम 1 करोड़ 18 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। वॉल्यूम के साथ ट्रेडेड वैल्यू जो है 16,773 लाख की ट्रेडेड वैल्यू है। तो देख सकते कि सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन के ऊपर नजर भी डाली जाए तो 1 करोड़ में से 56 लाख क्वान्टिटी डिलीवरी के लिए जा चुके, कुल मिला के 56% क्वान्टिटी जो है नेक्स्ट डे होल्डिंग के लिए चले गए। चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते हैं कि तकरीबन स्टॉक में गिरावट, कल जो गिरावट थी उसी गिरावट को कंटिन्यूस देखने को मिला है। 140 को ब्रेक करता है तो नीचे देख सकते कि जो ब्लू कलर की लाइन है जो कि 200 मूविंग एवरेज है उसका भी यहाँ पे सपोर्ट लग सकता है अशोक लैंड के लिए नीचे के साइड, और वहां से बाउंस बैक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट अशोक लेलैंड के लिए।